टीकरी बॉर्डर पर अब जल्द ही लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिलने वाली है। पानी निकासी के लिए यहां जल्द ही नाले का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस नाले के निर्माण पर 4,88,00,000 रुपए की लागत आएगी। इस नाले की लंबाई करीब 6,500 गज रहेगी, जिसे मुंगेशपुर ड्रेन से जोड़ा जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बहादुरगढ़ सिंचाई विभाग को ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर पिछले काफी समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ के निवासी काफी परेशान हैं। ये है RD0 से 6,500 फुट तक, जिसका है मुंगेशपुर ड्रेन टू टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन तक लेंथ है इसकी, और ये किलोमीटर में पड़ती है 1.9 और ये PWD दिल्ली का वर्क है, जो डिपॉजिट वर्क है इरीगेशन का दिया हुआ है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और इसका टोटल अमाउंट है 4.88 करोड़। और इस बेड लेवल के तहत हम, मतलब बेड लेवल हमारा। गुरुग्राम जिले के पटौदी कस्बे में कैब चालक की हत्या करने वाले बदमाश को रेवाड़ी के धारूहेड़ा CIA पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी धारूहेड़ा के ही गांव मालपुरा का रहने वाला हितेश उर्फ हनी है। नकाबबंदी के दौरान पुलिस ने हितेश को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो उसने राकेश हत्याकांड का खुलासा किया। DSP सुभाष चंद्र ने मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। दारूवाड़ा से ही की जो हमारी टीम है, उसको एक हितेश नाम का व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा नाकाबंदी के दौरान, तो उससे हम देसी कट्टा बरामद हुआ था। देसी कट्टा बरामद होने से हमने उसको गहराई से इंटरोगेशन किया, तो उसमें एक खुलासा हुआ। 23/3/2022 को उसने एक पटौदी में एक बंदे को कार छीन के उसको मार के वहाँ गेट दिया था। तो जब पता चला है कि बैरोड जो राजस्थान से है, वहाँ से ये किराए पर लेकर आए थे, बाद में इन्होंने इनके हितेश और ये पंकज है, इनका बेईमानी आ गया, उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुकाबला किया। बाद में फिर इसने हितेश ने उसको गोली मार दी है। बाडड़ा और हंसावास खुर्द के ग्रामीणों में नगर पालिका को लेकर रोष बना हुआ है। ग्रामीण बीते कई दिनों से नगर पालिका का दर्जा रद्द कर पुनः ग्राम पंचायत की बहाली की मांग कर रहे हैं। उसी के चलते नगर पालिका के अंतर्गत टीम बाडड़ा में प्रॉपर्टी ID से संबंधित सेल्फ असेसमेंट बांटने पहुंची, तो ग्रामीणों ने उसका विरोध जताते हुए टीम को बेरंग लौटा दिया। बाद में ग्रामीणों ने बाडड़ा व्यापार मंडल प्रधान की अगुवाई में नगर पालिका कार्यालय पर एकत्रित होकर नारे का रोष जताया। साथ ही नगर पालिका कर्मचारियों को चेतावनी दी कि दोबारा से उनके गांव में नगर पालिका से संबंधित किसी भी प्रकार के कागजात लेकर न आए। ये मामला है हमारे जो निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप, जो यासी कंसल्टेंसी ने जो प्रॉपर्टी ID का सर्वे किया था, उसके असेसमेंट बांटने स्टार्ट हुए थे, जिसमें गाँव वालों को कुछ प्रॉब्लम थी कि वे इसको टैक्स का फॉर्म समझ रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस अपने ज्ञापन में लिखा है कि प्रॉपर्टी ID का जो है ये असेसमेंट है, ये ना बांटे जाए। मेरे द्वारा इन ग्रामीणों को समझाया जाए कि इट इज़ ए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है, इसमें आप खुद भी अपना चेक कर सकते हैं। यदि कुछ भी इसमें त्रुटि लग रही है तो आप ऑनलाइन PMS हरियाणा पे जाके इसको ठीक कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है नगर पालिका में, यहाँ आके आप ठीक करवा सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक व संबद्ध कॉलेजों में MA राजनीति विज्ञान की प्रवेश परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र इस बार हूबहू आ गया, जिसके चलते एक छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसी के चलते MDU ने आगामी आदेशों तक काउंसलिंग स्थगित कर दी, साथ ही साथ जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। ये जो आरोप है सरासर बिल्कुल गलत है, कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ने कोई पेपर नहीं बेचा। नहीं, जो एंट्रेंस जो आया है जो पिछले साल का एज इट इज आया, उस मामले को लेकर आपकी तरफ से क्या है? ये तो पेपर सेटर के पार्ट पे गलतियां हैं, जो भी गलतियां हैं, यूनिवर्सिटी में इसका कहीं कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरासर गलत है। अच्छा, क्योंकि कहां पे बात है पेपर सेटर, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ये नहीं बता पाएंगे। देखिए, ठीक है, ये दिखाया है उन्होंने कि 2021 का और 2022 का बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पेपर सीरीज सेम नहीं है, सीरीज बिल्कुल चेंज है। ठीक है, पेपर सेम है, क्वेश्चन पेपर सेम है, सीरीज अलग है।
बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर आज थाना आदर्श नगर पुलिस की टीम द्वारा आदर्श नगर विष्णु कॉलोनी गली नंबर 7 में दो मकानों में छापेमारी करवाई गई। इस दौरान दोनों घरों से भारी मात्रा में बम पटाखे बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि विष्णु कॉलोनी में दो घरों में पटाखे हैं काफ़ी मात्रा में, जो दिवाली को बेचने के लिए लेके आए गए हैं अभी से पहले, तो उसे आधार पर उस पर कार्रवाई करते हुए पटाखे बरामद किए हैं। कितनी मात्रा में पटाखे बरामद कर रही, कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे, क्या बिल वगैरह कुछ जांच इस तरीके से हो पाई? अभी इस चीज़ के लिए चल रहा है काम, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी आगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।